हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ, पहले से थोड़ा बेटर हूँ। है हाथ में अभी भी, लेकिन इसी मोमेंट में भी मैं काम कर रहा हूँ और कुछ काम ऐसे आज मैं करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। एल्युमिनियम के पाइप से शटर बनाया जाता है और कैसे वो बनाते हैं वो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। प्लस उसके ऊपर ACP शीट से कवर होता है। एल्युमिनियम के पाइप का फ्रेम बना के उसके ऊपर ACP शीट बेंडिंग करके उसको बनाया जाता है और वो शटर भी कैसा लगता है बनने के बाद में भी, वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। फर्स्ट थिंग, मैं एल्युमिनियम पाइप कटिंग करता हूँ, तो जैसे कि आप लोगों को दिखाता हूँ, ये है मेरे पास। कटिंग करने के लिए मशीन का इस्तेमाल करता हूँ, ये कटिंग मशीन है जिससे कटिंग होता है फटाफट, मतलब जल्दी। आजकल क्या है, हाथ से बहुत ही टाइम लग जाता है, तो मशीन के द्वारा जल्दी भी होता है और काम भी अच्छा और परफेक्ट होता है। उसमें मतलब कैसा है, पाइप को राइट एंगल करने के लिए घिसने वगैरह का कोई ज़रूरत होता नहीं है, वो मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये रहा मेरे पास पाइप, मैं इसको इस पर सेट करके जो मेजरमेंट चाहिए हमको, वो मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इस पर मार्क कर लेता हूँ। मेरा दरवाजे का साइज़ है, का शटर वो हिसाब से मैंने, जैसे पाइप का चाहिए 12.78, तो उसमें से सीट का माइनस भी करना है, 3.8 उसको माइनस रहेगा, वो माइनस करके मैं यहाँ पे निशान लगाया हूँ। इसके ऊपर मैं इसको सेट करता हूँ, मशीन को सेट करके इसको कटिंग करना है। इसका कटिंग की आवाज़ भी फ्रेंड्स थोड़ा खतरनाक आवाज है, मैं ये कटिंग करता हूँ। ये मैंने कटिंग कर लिया हूँ पीसेस, अब इसको कैसा जोड़ना है वो भी मैं दिखाता हूँ। पीसेस मैंने रेडी किया हूँ, अब इसके ऊपर मैं पहले से ही छोटे छोटे एल बना के रेडी किया था। अब इसको कैसे इसके ऊपर फिक्स करते हैं, आजकल तो सब नॉर्मल स्क्रू आ गए जो डायरेक्टली स्क्रू फिक्स होता है। ये मेरे पास है ड्रिल, मैं इससे इसको फिक्स करता हूँ। ऐसे करके मैं पाइप के ऊपर पूरा एक एक पीसेस सबको फिट कर लेता हूँ। उसके बाद में शटर कैसा जोड़ना है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि आप लोग देख पा रहे, पहले से ये किया था, ये मैं सब एक एक करके सेटिंग कर लिया हूँ। अभी ये पीसेस सब इसमें लगा दिया हूँ। अभी इसमें शटर ये साइज का मेरा बन चुका है, शटर के साइज के हिसाब से सीट जितना है वो हिसाब से उसको थिकनेस माइनस भी करना है, मतलब सीट है अपने 4 mm की। प्लस इसमें आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाया था, जिसमें डबल टेप लगाना है, वो डबल टेप प्लस सिलिकॉन का ये माइनस करना है इसमें से। अब ये बीच में भी एक सपोर्ट ऐसा दे रहे हैं जस्ट इसको पकड़ने के लिए, ये सपोर्ट इसके ऊपर से लगा दिए। अब इसको फिक्स हो गया, ये दरवाजा मेरा रेडी हो गया फ्रेम। अब ये फ्रेम के ऊपर टेप लगा के रेडी करेंगे। फिर आप लोगों को पहले भी मैंने दिखाया था राउटर कैसे चलाना रहता है, वो राउटर भी मैंने अभी इस ACP सीट अपना रखा हुआ है, वो ACP सीट के ऊपर राउटर मार के
उसको रेडी करके फिर बैंडिंग आप लोगों को मैं दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने दिखाया पहले, इसके पहले भी मैंने शटर बनाया जो एसीबी सीट का बैंडिंग किया था उसके ऊपर कैसे मार्क करके सीट के बैंडिंग के हिसाब से जितना चाहिए मार्क वो हिसाब से राउटर का निशान मार ले रहे हैं। फिर उसपे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था आपको, आप लोगों को मशीन का ये है राउटर मशीन, राउटर मशीन का ब्लेड फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये है ब्लेड इसका जो बर्फी टाइप इसको गड्ढा कटिंग होता है। ये हमारी मशीन की गेज है, 1 इंच का गेज है ये पॉइंट से लेके ये साइड तक। अब मैंने सीट के ऊपर निशान लगाया हूँ, ये गेज है 1 इंच का जो साइड में बॉर्डर इसका हाफ थ्रेड कटिंग होएगा जिस वजह से साइड का सीट बराबर उसमें टच और जो कनी बनता है वो कनी टाइप में इसमें सेट होएगा, वो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था जो सीट जो चाहिए वो हिसाब से निशान मार के उसमें बॉटम लगा के ये राउटर मशीन चलाना है और इसका आवाज़ भी थोड़ा खतरनाक रहता है। मैं अभी राउटर मशीन इसके ऊपर चला रहा हूँ, इस पर कैसा बर्फी आ जाएगा वो भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस पे मैंने सी क्लैंप लगाया, इसके लिए जो ये जो सीधा पट्टी लगाया वो कहीं भाग ना जाए उसके लिए। फिर निशान मारा हूँ, उसमें राउटर चलाया हूँ जो आधा बर्फी कटिंग जैसा हो चुका है इसको जॉइंट करने के लिए दोनों का। अभी सीट को मैं पूरा रेडी कर लेता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ कैसा है। मैं पूरा रेडी करके फिर आपको दिखा देता हूँ कैसा है ये। ये मैंने पूरी तरह से सीट को रेडी कर लिया हूँ, पूरा कटिंग करके पूरा चारों तरफ जैसा चाहिए वो हिसाब से मैंने इसमें बर्फी कर दिया हूँ। अब इसको मैंने जो मिलाने के लिए कॉर्नर ये कोना में कटिंग करूँगा कैसा, नहीं तो जॉइंट के लिए ना वो कोना परफेक्ट नहीं आएगा। वो कटिंग में दिखाता हूँ कैसा कटिंग करना है इसको। ये कोने को ऐसा कट कर लेना है सेम, ये कोना भी ऐसे कट कर लेना है। अभी से पूरी तरह से मैंने इसको कट कर लिया हूँ चारों तरफ से, इसको कट करके रेडी कर लिया हूँ। ये पूरा चारों तरफ से ये बर्फी भी कटिंग हो चुका है। अब इसको बैंड करके अपने को ये शटर के ऊपर टेपिंग करके इसको सिलिकॉन से इसके ऊपर स्टिचिंग करना है, वो मैं दिखाता हूँ कैसे इसके ऊपर अभी स्टिचिंग करूँगा मैं। पहले इसके ऊपर डबल टेप लगा लेना है, फिर सिलिकॉन लगा के डबल टेप के ऊपर का जो एक प्लास्टिक रहता है उसको निकालना भी है, वो भी दिखा देता हूँ कैसा करना है। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में भी दिखाया था ये सिलिकॉन ब्लैक ये इस्तेमाल होता है, ये उसकी गन है जिसके द्वारा ये सिलिकॉन इसके ऊपर चिपकाना ठीक रहता है। और डबल टेप ये रही अपने पास डबल टेप, इसके ऊपर रेड कलर का पन्ना ऐसा रहता है। डबल टेप को मैंने पहले से छोटे छोटे पीसेस कर लिया हूँ, ये छोटे छोटे मैंने पीस कट कर लिया हूँ। ये पीस अभी एक एक निकाल के ऐसे एक एक निकाल के इसके ऊपर स्टिचिंग करना है, जैसे भी कर सकते हैं स्टिचिंग क्योंकि ये सीट को पकड़ के रखने के लिए
ये स्टिचिंग कर ले रहे हैं, फिर इसके ऊपर ये जो रेड कलर का पन्नी है वो भी निकालना है, कैसा वो भी दिखा देता हूँ। पहले मैं पूरे सीट को स्टिचिंग कर लेता हूँ। पूरे शटर के ऊपर पूरा टेप मैंने स्टिचिंग कर दिया हूँ। अब इसका ऊपर का जो पन्नी है ये मैं एक एक करके रिमूव करता हूँ, ऐसा पूरा सबको रिमूव करना है। ये रिमूव करके फिर इसके ऊपर सिलिकॉन लगाएंगे, दिखाते हैं। ये मैंने पूरी तरह से ऊपर का जो रेड कलर का पन्नी था वो मैं रिमूव कर चुका हूँ, अब इसमें सिलिकॉन लगाऊंगा। ये मैंने पूरी तरह से इसमें सिलिकॉन लगा चुका हूँ, अब इसको स्टिचिंग करना है। बैक साइड है ये, ये मैंने वन साइड स्टिचिंग किया हूँ। नेक्स्ट साइड भी इसको स्टिचिंग करना है। इसका पहला ये ऊपर का पन्नी निकाल के फिर इसमें सिलिकॉन लगा के फिर स्टिच करता हूँ इसको भी। ये दोनों साइड स्टिचिंग इसमें हो चुका है, इसको फोल्ड करके हमको ये स्टिच करना है पूरा। ऐसा फोल्ड करना है, ये फोल्ड करके हो गए। ये हमने फोल्ड करके इसको क्लीन करके इसके ऊपर टेपिंग करना है। ये हमने पूरी तरह से इसको स्टिचिंग कर दिया है, अभी टेप लगा के इसको चिपका के रखा हूँ। अब इसको एक दिन के बाद ये टेप निकाल के फिर इसको दरवाजे को फिट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा ये दरवाजे के ऊपर कैसे हिंच लगा के दरवाजे को फिटिंग किया जाता है। ओके दोस्तों, बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।